पास है हमको ये मोबाइल, देख सकते हैं हमने यहाँ मोबाइल है वन से दो दिन पहले मंगवाया था। हमने कहा पहले हम मोबाइल चेक कर लें, इसके बाद रिव्यू देंगे मोबाइल किस तरह। मोबाइल यार दोस्तों बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट, इसका कैमरा जैसा अच्छा वैसे ही था बिल्कुल। आप ये मोबाइल मंगवा सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। क्या हम पहले पैसे क्यों दें, आप देख सकते हैं ये कोई भाग जाने वाले लोगों में से नहीं है। मोबाइल आप देख चाहेंगे आप वैसे मिले, आप देख सकते हैं इसका वायरलेस चार्जर भी बहुत अच्छा है, ओके है। हमारे भाई बहुत परेशान हो जाते हैं भाई सामान को सुबह के बाद पेमेंट करने के बाद कि वो आपको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तो उस बात की टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। असल वो 3 बजे के बाद फ़ोन ऑन करते हैं और 3 बजे के बाद इनसे आपको मैसेज और कॉल का जवाब देते हैं, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इनसे मोबाइल मंगवा सकते हैं। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका भाई उस्मान मुगल एक नए ब्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैरियत होंगे और रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि फ्लक्चुएट हो रहे हैं और आपको पता है पेट्रोल की कीमत जो है वो कितनी ज़्यादा हो गई है। वो उसके बाद पेट्रोल के साथ साथ आप कह लें कि और जो डॉलर के अंदर यानी कि इनक्रीज़ हो रही है प्राइस, उसकी वजह से बहुत सारे यानी कि मॉडल्स हैं जिनके तकरीबन अब सिर्फ सिंपल अगर आप ले लें नोट 10 प्लस को उठा लें अगर, तो नोट 10 प्लस के अंदर आप कह लें कि 12512 वाला जो लास्ट टाइम मैंने 70,000 का भी बेचा डील पे, तो अब यकीन करेंगे आप उसकी कॉस्टिंग में यानी सिर्फ सीधा सीधा 6,000 रुपये परचेजिंग के अंदर डिफरेंस है। 6,000 रुपये यानी मामूली अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले भी बताया कि इवन के जो बाहर हमारे आउट ऑफ कंट्री मैर भाई जाते हैं और भी यानी मेरे दोस्त हैं सब, मैं तो जा नहीं सकता कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, तो चेकिंग जो करता है वो डॉलरों में पैसे लेता है। जो वहाँ पे हमारी पैकिंग करता है, स्टॉक पैक करता है चेकर के बाद, पैकर होता है एक, वो डॉलरों में पैसे लेता है। फिर जो कुरियर सर्विस है वो भी डॉलरों में पैसे लेते हैं। उसके बाद जो वेंडर है जिसे स्टॉक परचेज करना है वो तो ज़ाहरी बात है लेता ही डॉलरों में पैसे, ठीक है जी। तो खैर अब क्या करें जी, महंगा आ रहा है तो महंगा बिकेगा, सस्ता आ रहा था तो आप लोगों को हम लोग सस्ता दे रहे थे। अब सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है, लेकिन इसमें फिर भी इंशाल्लाह दो चीज़ों की मैंने कोशिश करनी है आप लोगों के लिए। एक तो ये है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए और आप लोगों को बेहतर प्रोडक्ट दी जाए, और दूसरी बात ये है कि अपने मार्जिन को कम करके ही जो है वो आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे। देखिए पता है बात क्या है, अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं कि यार आप लोग जो है ना वो बहुत महंगा दे रहे हैं, तो मैंने देखें ये नहीं कभी कहा कि हम लोग, मैंने आपको आज से साल डेढ़ साल पहले भी यही बात कही थी कि हम लोग जो है वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जिस तरह की हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्वालिटी और सर्विसेज को लेके रेट जस्टिफाई नहीं होता। हम कम रेट पे अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मैक्सिमम मिनिमम रेट होता है वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। वन प्लस से स्टॉक रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा, वन प्लस 60 से ऑनवर्ड यानी कि जिस तरह हमारी वीडियो का शेड्यूल है, दो वीडियोज़ होती हैं, तो मैं 60 से 80 तक आपको बताता हूँ। पहले 60 में जी तीन तरह का स्टॉक मौजूद है, वन प्लस 60 8GB 128GB है, ड्यूल कैम है, इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर है, और इसके अंदर आपको पता है कि नॉच है, वाटर ड्रॉप नॉच है, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत फिट एंड फिनिश, वाटर पैक सारा, ओरिजिनल बैग के साथ स्टॉक है। 23,000 का है और 27,000 का है माइनर शेड, 23,000 का है हार्ड शेड। ये शेड देख लें आप लोग, 23,000 वाला, इससे फिर माइनर शेड है 27 वाले में, और फिर क्लियर पड़ा हुआ है वो 34,000 का है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ये आप देख सकते हैं, यानी बड़ा खूबसूरत, और इस रेंज में अब जिस में ये आ गया है ये इस रेंज में मिलता नहीं है, बहुत शानदार फ़ोन है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम 70 में, शेड वाला तो ख़त्म हो गया, अब शेड वाले के अलावा स्टॉक पड़ा हुआ है 70 में, 8GB 128GB ब्लू कलर हैं सारे, 855 60 में 845 स्नैपड्रैगन होता है, इसमें 855 प्लस स्नैपड्रैगन है।
8GB 128GB ये ड्यूल कैमरा है, ट्रिपल कैम है, ड्यूल सिम है और टाइप सी एनेबल चार्जिंग है, एल्युमिनियम का इसका अलॉय है और बहुत खूबसूरत फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, डिसेंट फ़ोन है और 41,000 में हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं आप लोगों को वाटर पैक और 10x10 क्लियर फ़ोन, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 7 प्रो पे, OnePlus 7 Pro, इसमें 855 सिंपल है, 70 में 855 प्लस स्नैपड्रैगन होता है, इसमें 855 सिंपल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। उसके बाद पॉपअप कैम है इसके अंदर, इसमें शेड वाले तीन तरह का इसमें भी स्टॉक मौजूद है, इसमें आप कह लें कि विजिबल शेड, फिर माइनर शेड और फिर क्लियर, तीन तरह का स्टॉक मौजूद है। 49500 का क्लियर है, 10x10 होगा तकरीबन या 9.5 कर लें। उसके बाद है 33,000 का शेडेड, ये 38,000 वाला है, ये माइनर शेड है काफ़ी, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा शेड है 33 वाले में, ठीक है जी। 8GB 256GB ड्यूल सिम और एक एक फ़ोन मैंने अपने हाथों से चेक किया है, ये आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट तक, फेस अनलॉक तक, हर फ़ोन बेहतरीन किस्म का है और वाटर पैक 100%, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 33,000, इस पर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो पूरी अलग से भी करूँगा, तो इसमें सारा आपको स्टॉक भी दिखाऊँगा अनकरीब और सारी डिटेल्स भी बताऊँगा, ठीक है जी। 855 स्नैपड्रैगन है और ट्रिपल कैम है इसमें, ड्यूल सिम है सारा और बड़ा खूबसूरत कंडीशन में अच्छे फ़ोन्स हैं, तो ये जिस भाई को चाहिए हो वो भी रब्ता कर ले। उसके बाद हम आ जाते हैं जी 70 हो गया, 7 प्रो हो गया, 70 प्रो मैक्लारेन, ठीक है जी। 49,000 में शेड वाला है जी, शेड ऐसा है कि नज़र नहीं आता, ये ना विजिबल है ना माइनर है, ये इनविजिबल है, यानी इसमें शेड ढूंढना पड़ेगा आपको, ये बिल्कुल क्लियर ही है। 49 ये 49 वाला है, बिल्कुल हल्का सा इसमें शेड है, बिल्कुल ना होने के बराबर, ठीक है। 49,000 में ये आप लोगों को मिल जाएगा और क्लियर वाला जो है वो 53,000 में मिल जाएगा, दोनों मौजूद हैं, ठीक है जी। 12GB 256GB 855 प्लस स्नैपड्रैगन पॉपअप कैम्स हैं और उसके बाद ये मैक्लारेन का सारा एक थीम है इसकी, बहुत खूबसूरत फ़ोन है और अच्छी कंडीशंस में है, ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद जी OnePlus 8 में पेपर फ़ोन्स आए हैं, ठीक है जी, OnePlus 8 पेपर फ़ोन्स। अब वो जो 49 और 51 वाले स्टॉक था वो तो ख़त्म हो गया, अब वो मिल भी नहीं रहा और अब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही है, लेकिन अब वो है नहीं, अब कहाँ से दें जी। तो ये बिल्कुल पेपर फ़ोन्स हैं, ब्रांड न्यू, 10x10 ज़ीरो मीटर, ठीक है जी, ये आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे तो इसका रेट देखें मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ना बनता है कोई 60,000 रुपये ना, लेकिन ये ऑनेस्टली बताऊंगा आप लोगों को कि मुझे ये पिछले रेट पे ही मिल गया था, ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों के लिए, मेरे चैनल के व्यूवर्स के लिए और जो बहुत सारे लोग मुझे दुआएं देते हैं व्हाट्सएप पे, हज़ारों मैसेजेस आते हैं, प्यार करते हैं पूरी पूरे काफ़ी ज़्यादा, यानी कि सऊदी और मिडिल ईस्ट में काफ़ी मुल्कों में लोग व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो इतना जब आप लोग मुझे प्यार देते हैं तो उसके लिए मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने इसका पिछला रेट रिमेन रखा है, सिर्फ 500 इंक्रीज़ किया है। लास्ट टाइम हमने पेपर फ़ोन बेचा 57,000 रुपये का और अब इसका रेट मैंने किया है 57,500 आप लोगों के लिए, ठीक है जी। ब्रांड न्यू OnePlus 8, जिस भाई को चाहिए वो रब्ता कर सकता है। ये अनबॉक्स हुआ हुआ बॉक्स फोल्ड है, ज़्यादा स्टॉक नहीं है, 9-10 फ़ोन होंगे मुश्किल से, तो ये ना आप लोग रब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है जी, जिस भाई को भी चाहिए हो, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। उसके बाद आ जाते हैं OnePlus 8T पे, 8T में खैर दो कलर मौजूद हैं लेकिन इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगला स्टॉक इसका मेरे ख्याल में 60 से भी ऊपर ही होगा। अब जिन जिन लोगों को यकीन करें, मैंने 64,000 रुपये कहा हुआ था और उनको मैंने काफ़ी कहा कि अभी ले लें, अब बहुत सारे भाई हैं जिन जो वीडियो देखते भी हैं, चैनल के सब्सक्राइबर हैं,
उनको मैंने कितनी दफ़ा कहा था कि 64 का है ये, आगे नहीं मिलना इतने का नोट 10 प्लस। अब यकीन करें जब नोट 10 प्लस की ग्रुप में अपडेट आई है और जिस भाई ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो वो मुझे व्हाट्सएप पे कर दे सेंड लिंक, ग्रुप लिंक क्या मैसेज कर दे, उसको लिंक आ जाएगा और जहाँ whatsapp.com लिखा होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा जी, उनको मैंने सबको कहा कि ले लें, किसी ने नहीं, जिसने ले लिया वो तो फ़ायदे में रह गए, लेकिन अब 67,500 का सब ने लिया फिक्स प्राइस पे, डिलीवरी के साथ मेरे ख्याल में 68,300 का दिया सबको, कितनी स्लिपें आई हैं मेरे पास। तो खैर ये तो जी फिर ज़ाहिर बात है, अब क्या कर सकते हैं, वक्त के साथ साथ ही है। 60,000 रुपये का अभी है, अगला रेट इसका 62,000 से 63,000 रुपये, मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ। तो ये आप लोग 12 GB 256 GB है, 8 128 है सिंगल सिम है, और इसमें आप कह लें कि 865 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, वीडियो स्टेबलाइजेशन कैमरे हैं, इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है, सॉरी अल्ट्रासोनिक नहीं होता इसमें, इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर है, और इसका एल्युमिनियम का अलॉय है, और बहुत खूबसूरत फ़ोन है और बहुत एलिगेंट लुक है, और मुझे पर्सनली ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी सिर्फ साइज़ की वजह से, कमाल फ़ोन है। इसका पंच होल जो है लेफ़्ट कॉर्नर पर, जैसे फैमिली में इनकी सारी वन प्लस की है। उसके बाद आ जाते हैं 8T में, ग्रे कलर आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कह रहे थे तो आप लोगों की डिमांड पे ग्रे कलर मंगवाया जी। वन प्लस 8T 12,256 865 स्नैपड्रैगन ड्यूल सिम में, 60,000 रुपये फ़िलहाल है, इंशाल्लाह आगे देखें अल्लाह बेहतर करेगा। तो अच्छा जी, तो वन प्लस 8T भी बता दिया मैंने आप लोगों को, तो ऑलमोस्ट इस सीरीज़ के तो मैंने सारे सेगमेंट के आपको फ़ोन बता दिए हैं। अब अबव दी 60 है तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, वन प्लस के सेकंड व्लॉग जो होगा अबव 60,000 वाला, ठीक है जी। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह से दुआ भी है कि हमारे से किसी के साथ ज़्यादती ना हो, और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी थोड़ा हम लोगों के साथ कोऑपरेट करें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर, और मेरा आप लोगों से वादा है कि इस प्लेटफॉर्म को इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर बना देंगे। अपने अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।